नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अफसरनामा। और इस बार हमारे साथ हैं पलवल जिले के सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप। सर, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अफसरनामा में। सबसे पहले, पूरा विश्व जो है कोविड की चुनौतियों से जूझा, तो जाहिर सी बात है पलवल में भी उसका एक बड़ा असर देखने को मिला। किस तरह की दिक्कतें उस शुरुआती दौर में रही और किस तरह से उन दिक्कत, उन परेशानियों, उन चुनौतियों से जो है स्वास्थ्य विभाग जो है वो निपटा, आपकी टीम और आप लोगों ने जो है उससे लड़ाई लड़ी? मैं कहना चाहूँगा, जब शुरू में कोविड का मैंने अपने से बताना चाहूँगा कि व्हेन आई जॉइंड दिस प्लेस, तो डे वन पे ही मुझे WHO की टीम ने ऐसा बोला कि आप एक कोविड के ऊपर मीटिंग बुलाई हुई है और उसमें आप एक बार आइए एंड जस्ट चेयर दैट मीटिंग। तो आई वेंट देयर, सिंस इट वॉज माई फर्स्ट मीटिंग, सो उसको पूरी 1.5-2 घंटे की उनकी प्रेजेंटेशन थी, एक एक बात को, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे होगी, एक एक कॉन्टैक्ट को सर्च किया जाएगा, वायरस कैसा है, छोटी छोटी बातों को समझा। लेकिन 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद लास्ट में मैंने उनको कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना एंटिसिपेट कर रहे हैं शायद इतना खतरनाक रूप हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये बीमारी तो लगता है कहीं वुहान में कहीं चल रही है, लेकिन ठीक है, वी शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड। लेकिन उसी के 15 दिनों के बाद, ये बात है फरवरी की, 15 दिनों के बाद ये सब शुरू होने लगा और सचमुच में केसेस आने लगे। पहला केस जब जिले में आया तो इट वॉज काइंड ऑफ ए पैनिक फॉर होल ऑफ द डिपार्टमेंट, इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट के लिए, मीडिया के लिए, सबके लिए एक बड़ी खबर भी थी और बड़ा एक इवेंट था कि एक किसी को कोविड हो गया है। वो दुबई से कोई आए, रेजिडेंट थे, उनको हुआ। प्रिपेयर्डनेस, हम लोग मेंटली तो प्रिपेयर्ड थे लेकिन सचमुच में रिसोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा नहीं था। और लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार करना कि हमें इनको इलाज करना है और ये सब कुछ तरीका है, तो चैलेंजेस जैसे जैसे आते रहे, मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज जो आया वो आया कि लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना। खास तौर से जो बड़ा चैलेंज था वो था कि मरीज के मन में डर था कि मुझे कुछ हो जाएगा। मरीज के घर वालों को भी डर था कि वो उसको, मरीज को खाना देने के लिए भी तैयार नहीं थे। इस प्रकार के डर जो थे उनको दूर करने में सबसे ज़्यादा हमारे को जोर आया। फिर नेक्स्ट चैलेंज था कि पेशेंट के केयर के लिए हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, वो उस मरीज तक, हमने एडमिट तो कर लिया, उस तक पहुंचने के लिए उनको मेंटली प्रिपेयर करना, PPE किट्स प्रॉपर टाइम पे अवेलेबल होनी है, लॉजिस्टिक्स पूरे होनी चाहिए, ये सब चैलेंजेस थे। एक बड़ी चुनौती थी कहीं ना कहीं कि जब शुरुआत में, जब कोविड की शुरुआत हुई, जब केस आने शुरू हुए, तो PPE किट की बात करें, सैनिटाइजर की बात करें, मास्क की बात करें, वो उसकी उपलब्धता जो है वो बहुत कम थी और बहुत ज्यादा क्राइसिस रहे, तो उस सबको कि किस तरह से मैनेज किया गया कि लोगों को सैनिटाइजर, मास्क भी जो है उपलब्ध हो, उनको मिल सके? हाँ, तो एक तो पहली बात ये थी कि लोगों को ये लगता था कि सिर्फ सैनिटाइजर यूज करने से ही वायरस मर सकता है। तो एक तो जागरूकता ये पैदा की हमने कि हैंड वॉशिंग के जो स्टेप्स है वो मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, IEC के माध्यम से लगातार हमारे हेल्थ वर्कर्स में और इवन पब्लिक तक भी पहुंचे कि हैंड वॉशिंग के जो स्टेप्स हैं वो प्रॉपर कैसे होने चाहिए, हम किस तरीके से हाथ धोएं कि वायरस खत्म हो जाए। उसके अलावा सैनिटाइजर की लॉजिस्टिक्स के जो दिक्कत थी उसमें हमें स्टेट की काफ़ी सपोर्ट रही और लगातार हम लोग, ये एक चैलेंज रहता था किस प्रकार से लॉजिस्टिकली हम अवेलेबल करा पाएँ कि उसको स्टोर भी कर पाएँ, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाएँ। और ये अपने आप में एक डिपार्टमेंट बन गया था कि हमने ये सामान मंगाया और अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को और सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये सब लगातार चलता रहा। और दूसरा ये भी चैलेंज था कि जो लोगों को उसको यूज़ करने का, होर्डिंग भी नहीं होनी चाहिए, ये सब चैलेंजेस रहे शुरुआत के अंदर। 11 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है पलवल की, तो ये जो 11 लाख लोग हैं इनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर और आपके स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कहीं ना कहीं टिकी है। तो बतौर CMO एक अफसर के तौर पर तो सभी जानते हैं कि डॉक्टर ब्रह्मदीप हैं, CMO एक अफसर हैं, लेकिन इस अफसर के पीछे के जो व्यक्ति है उसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये अफसर के पीछे का व्यक्ति क्या है, क्या हॉबी है, क्या कुछ करता है, दिनचर्या किस तरह की रहती है उनकी? दिनचर्या, मैं तो बहुत सिंपल सा पर्सन हूँ, मैं कहना चाहूँगा कि मेरी तो दिन की शुरुआत जो रहती है वो सबसे पहले भगवान का नाम लेके, ऊपर वाले का नाम लेकर दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद में चरण धरती पे रखने से पहले मैं पहले एक बार धरती को चूम के, और हमेशा ये रहा है इतने सालों से कि भारत माता को याद करके, तब दिन की शुरुआत रहती है। उसके बाद सैर या थोड़ा बहुत योगा करना, ये दिनचर्या का हिस्सा है। हॉबी के तौर पे रनिंग मुझे लगता है कि मेरी रही है रेगुलर, जो फिटनेस में भी हेल्प करती रही है, और मैराथन में पार्टिसिपेट करना, ये सब थोड़ा हॉबी का हिस्सा रहा है।
कुछ रोज सुबह, अब जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में काफ़ी हद तक रोज सुबह उठते ही मैसेज पढ़ने पड़ते हैं, व्हाट्सएप के इतने सारे मैसेजेस होते हैं, उनको उठते ही पढ़ना और उसके हिसाब से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना, साथ में जो न्यूज़ मॉर्निंग के अंदर आती है वो, जो अपने विभाग से संबंधित है वो, और उसके अलावा जनरल न्यूज़ सबको समझना पढ़ना और अपने दिन को प्रिपेयर करना। फिर जैसे क्योंकि मैं यहाँ हूँ, परिवार से थोड़ा दूर हूँ, तो परिवार के लोगों को रोज़ सुबह एक बार उठ के संभाल लेना, ये अभी के लिए तो दिनचर्या का हिस्सा इसी प्रकार से है। और फिर भी रहता है कि अखबार, जो रूटीन का अखबार न्यूज़पेपर रीडिंग एक हिस्सा रहता है कि शुरुआत के अंदर जब 9 बजे ऑफिस में आना है तो उससे पहले मैं अखबार एक बार पढ़ चुका होता हूँ। आप खुद एक मनोरोग चिकित्सक भी हैं, गुड़गांव में भी एक लंबे समय तक जो है आपने सेवाएं दी, इस कोविड काल में इस बीमारी के खिलाफ कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना साइकोलॉजिकली एक मोटिवेशन की जहां तक बात है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये बेहतर रहा, आपको एक सपोर्ट मिला इससे? जी, मैं कहूंगा कि मानसिक रोग विशेषज्ञ होने की वजह से मुझे इस बात का फायदा तो रहा कि लोगों के मन का जो डर है, चाहे वो डर लोगों के मरीज के मन में हो, चाहे उसके परिवार के मन में हो, या हमारे डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स के मन में डर हो कि हम मरीज को कैसे हैंडल करेंगे, वो डर के लिए लगातार काउंसलिंग, मैं कह सकता हूँ कि हमने लगभग 500 के आसपास बारी बारी से छोटे छोटे सेशंस किए होंगे, जो कि लगातार चलते रहे सेशंस लोगों के लिए कि हम उनका डर निकाल पाएं। एनजीओज के माध्यम से भी हमें बहुत सपोर्ट मिली इस सब में, लेकिन मानसिक रोग विशेषज्ञ होने के तौर पर लोगों को काउंसिल करने में मदद मिली। नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए हैं तो सलाद से शुरुआत हुई है, डॉक्टर्स भी जो है सलाह देते हैं, खुद आप डॉक्टर हैं, कि सलाद जो है वो बेहतर रहता है। नॉर्मल अगर डाइट की बात करें तो क्या कुछ आपकी डाइट में रहता है, और दूसरे लोगों को भी क्या सलाह देंगे, क्योंकि कोविड के टाइम पे लगातार रहा, क्योंकि अगर इम्यूनिटी अच्छी है, खाना पीना रहन सहन अगर बेहतर है तो वो बेहतर रहता है, तो डॉक्टर ब्रह्मदीप जो है खुद किस तरह की डाइट लेते हैं? मेरा तो बड़ा सिंपल सी डाइट है, फिक्स है कि मॉर्निंग के फूड के साथ में मॉर्निंग की एक टी है उठते ही, जो प्लेन टी रहती है, ऑलमोस्ट बहुत मिनिमल शुगर के साथ में नॉर्मल चाय रहती है अदरक वाली। उसके बाद में जो ब्रेकफास्ट है वो जनरली सिंपल एक चपाती और एक बॉइल्ड सब्जी के साथ में रहती है विद 1 ग्लास ऑफ मिल्क। और सेम अगर हम लंच की बात करें तो लंच में सैलेड है, दही है, दाल है और एक सब्जी है विद फिक्स 2 चपाती, वो भी फिक्स है उसके साथ, उसमें कोई बदलाव आमतौर से नहीं होता है। डिनर की बात करें तो सेम डिनर में ही सेम है, और फूड वाइज मैं वेजिटेरियन हूँ, कभी अल्कोहल नहीं लेता, तो सिंपल फूड की हैबिट हमेशा रही है और वही वैसी ही तासीर है। कोविड जब अपने पीक पर था, अभी भी है, गया नहीं है, लोगों को लगता है कि कोविड चला गया है, तो इसलिए हम लापरवाही बरतें, तो सभी दर्शकों से भी ये सभी लोगों को हम चाहते हैं कि वो ध्यान रखें अभी भी, क्योंकि अभी कोविड आपके बीच में ही है, वो फिर से आपके लिए परेशानी बन सकता है। लोगों ने जमकर काढ़ा पिया, तो क्या अभी भी पीने की जरूरत है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कोविड तो एक सिचुएशन, लेकिन काढ़ा या हमारे को ऐसा फूड लेना जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वो तो हमेशा फायदेमंद रहेगा। तो लगातार इतने दिनों तक, पिछले 1 साल तक जो मेरे पास ऑफिस में गेस्ट मिलने के लिए आए, उसमें चॉइस हमेशा यही रहती थी कि टी, कॉफ़ी, और उससे पहले मैं पूछता था क्या काढ़ा पसंद करेंगे, और मुझे उस समय ये लगता था कि लोग काढ़ा मतलब ना तो नहीं करेंगे, लेकिन सबको अच्छा लगता था कि पहले काढ़ा ही हाँ करते थे कि हम काढ़ा लेना चाहेंगे, ऐसा रहता था उस टाइम पे। जाहिर सी बात है, काढ़ा तो खैर हमारे जो है पुराने समय से, जो है पुराने दौर से चला आया है, और अलग अलग बीमारियों के दौरान भी जो है काढ़े का इस्तेमाल करते हैं, और कोविड के दौरान तो हर किसी ने जमकर काढ़ा पिया, तो उस काढ़े को जो है चाय, कॉफ़ी और दूध के साथ भी रूटीन में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि वो केवल कोविड, वैसे भी आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए एक अच्छा जो है वो ऑप्शन है। तो लगातार हम डॉक्टर ब्रह्मदीप से बात कर रहे हैं, इसके बाद क्या कुछ इनकी ऑफिस में जो है वो दिनचर्या रहती है, और किस तरह से पूरी अपनी टीम को लेकर इस कोविड महामारी के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अफसरनामा में, और हमारे साथ लगातार पलवल जिले के सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंधु है। सर, चुनौतियां सब रही, जब शुरुआत में जो केसेस आए उस वक्त क्या कुछ स्थिति थी? क्योंकि अगर पलवल की बात करें, 11 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर या सेटअप है नहीं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जो दबाव था वो सरकारी अस्पताल पर ही आया। तो उस दौरान किस तरह से उन चुनौतियों से आप लोग निपटे, क्योंकि एडमिशन भी करना था, लोगों में पैनिक भी था, और कुछ नंबर पर ही जो है स्थिति काफी बिगड़ी हुई थी। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा शुरुआत के अंदर जब केसेस आए तब क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेटअप्स बहुत ज्यादा, कोई बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हमारे पास नहीं थे, तो यह बिल्डिंग जहाँ हम खड़े हैं सेम नाइट जब डे वन पे हमारे पास में 65 केसेस एडमिट करने के लिए आए, तो रातों रात इस वार्ड को तैयार किया गया। इस बिल्डिंग को सेम नाइट लगभग 3 बजे तक लगकर हमने इसको प्रिपेयर किया, और यहाँ पर अभी जैसे हम खड़े हैं तो इस बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, ये हमारे वो आइसोलेशन के बेड्स हैं जहाँ पर पेशेंट एडमिट होते रहे हैं, और सेम नाइट के अंदर ये बेड्स प्रिपेयर करना और डोनिंग रूम, डॉफिंग रूम, ये सब तैयार करना रातों रात एक चैलेंज था। लेकिन हम खुशी है इस बात की कि हम क्वारंटीन सेंटर्स बना पाए, लगभग 3000 बेड प्रिपेयर कर पाए, और इसी प्रकार से आइसोलेशन के बेड्स जो थे वो हम 500 बेड्स की तैयारी कर पाए, जो कि हमारी शुरू से सोच ये थी कि हम अपनी प्रिपेयर्डनेस डिजास्टर मोड में रहें, कि डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि आपकी जितनी प्रिपेयर्डनेस हो उतना अच्छा रहता है, तो प्रिपेयर्डनेस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ही रही, कभी भी कोई रिसोर्स शॉर्ट नहीं रहा। खुशी होती है कहते हुए कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेड्स कम पड़े हों, हमेशा हमारे पास बेड्स उपलब्ध थे, और साथ के अंदर लोगों का एक टीम वर्क के तौर पे भी काम रहा। जितने पेशेंट्स यहाँ एडमिट रहे सबको हमने रेगुलर काउंसलिंग दी, जो कोविड पॉजिटिव है उनकी टेली काउंसलिंग रहती थी, और जो नेगेटिव रहते थे या जो जो लोग उनके फैमिली मेंबर्स थे उनको फेस टू फेस काउंसलिंग इस दौरान रही। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल तबलीगी जमात से जब लोग आए तो हरियाणा के कुछ एक ही जिले थे जहां पर कि उनका मूवमेंट रहा, जिसमें पलवल भी शामिल है जहां एक बड़ी संख्या में आए, तो बड़ी पैनिक सिचुएशन थी कि एक तरफ कोविड है, बाकी लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, तमाम तरह के इश्यूज थे, और उस दौरान एक नया एक दिक्कत कहीं ना कहीं थी हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने। मैं कहना चाहूँगा शुरुआत के अंदर जब मरकज से लोग आए तब यहाँ पर हमारे पास जो मैक्सिमम केसेस आए वो पलवल, मेवात और गुड़गांव एरिया के अंदर मैक्सिमम केसेस थे, और उनमें सबसे ज़्यादा केसेस जो लोग थे ट्रैवलर्स थे वो यहाँ के ट्रैवलर्स ज़्यादा आए, और उस वजह से हमें उसी हिसाब से प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत पड़ी, और इसके अंदर प्रशासन की, पुलिस की काफ़ी भूमिका रही, उनके साथ मिलकर हम यह काम कर पाए, क्योंकि अगर एक भी पॉजिटिव होता है और उसे हम वहाँ नहीं रोकते हैं, आइसोलेट नहीं करते, क्वारंटीन नहीं करते, तो उससे एक से सैकड़ों में होने का खतरा बना रहता है। अभी केसेस की बात करें कोविड केसेस की, तो अभी की क्या स्थिति है, और इस पूरे दौर में कुछ ऐसे लम्हे ऐसा दौर रहा होगा जब खुद को भी लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सिचुएशन जो हाथ से निकल जाए, नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए? जी जी, सारे हरियाणा के केसेस टोटल मिला के शायद 42 थे, और 28 आउट ऑफ देम वर इन पलवल, तो एक मैक्सिमम चंक ऑफ पेशेंट्स थे, प्रिपेयर्डनेस थी लेकिन मेंटली सबको लगता था कि केसेस ज़्यादा हैं और पैनिक का माहौल था, तो उस दौरान लगातार काउंसलिंग चली, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी मोटिवेट किया गया कि आप डरे नहीं और एक टीम के तौर पे काम करें, आपको जो रिसोर्सेज चाहिए हम वो रिसोर्सेज देंगे, लेकिन काम तो हमें करना ही है, क्योंकि हम यही कहते थे कि सेनानी हैं और सेना के तौर पे आगे चलेंगे, और सेना ने एक बार चल पड़े तो आगे चल के मुड़ के वापस नहीं आना, हमें जीत के ही वापस आना। तो यहाँ जो टीम है वो भी मौजूद है, वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो लगातार चल रहा है, और आज भी जो है लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि इस कोरोना महामारी को जो है वो हराया जा सके, उसे खत्म किया जा सके। जब शुरुआत में लोग आ रहे थे वैक्सीन लगवाने, और आज जो वैक्सीन लगवाने लोग आ रहे हैं, कितना फर्क उन लोगों के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि एक डर था शुरुआत में? सर, स्टार्टिंग में डर था थोड़ा, अब कोई डर नहीं है इतना, अब बिल्कुल आसानी से लगा रहे हैं टीके। हाँ जी, कुछ शंकाएं रहती है, लोगों को पूछते हैं कि बाकी लोगों ने लगवाया उनके कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट? हाँ सर, पूछते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है अब। हाँ जी, तो सर अगर वैक्सीनेशन की बात करें, अभी तक कितने लोगों को यहाँ वैक्सीन जो है पलवल जिले में दी जा चुकी है, और आगे जो है चरणबद्ध तरीके से क्या कुछ प्लान्स हैं कोविड को लेकर भी, और साथ ही साथ क्योंकि कोविड के साथ जाहिर सी बात है अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है, लेकिन इस सब के अलावा भी कुछ ऐसी परेशानियां दिक्कतें हैं
उनसे निपटने के लिए भी पलवल स्वास्थ्य विभाग आप लोग क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही टीम है काम करने वाली, उनको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, तो ऐसे के अंदर उन्हें बहुत बार तो ऐसा होता था कि मॉनिटरिंग इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि एक सेम पर्सन है, उसे आप सुबह कुछ काम दे रहे हो, रात को 10 बजे उसकी सैंपलिंग की रिपोर्ट आ रही है, तो रात को 10 बजे लगातार कोविड के इस एक साल के दौरान मेरा प्रिंसिपल रहा कि रात को सोने से पहले आज की सारी रिपोर्ट देखनी है, वो सारे पेशेंट खुद डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि कौन कौन किस पीएचसी सीएचसी के हैं, और उन टीम्स को, क्योंकि होम आइसोलेशन तो बाद में आई, होम आइसोलेशन से पहले हमारी एम्बुलेंस जाती थी उन्हें घर से पिक करके लेकर आती थी, या जो एडमिट है उनको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे डालना है, तो सेम नाइट को जो भी पॉजिटिव आते थे उन्हें डालना ही डालना है। तो मॉनिटरिंग कभी कभी इस प्रकार से हो जाती थी कि एक बंदा जो सुबह काम करने लगता था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अपने स्टाफ की कर रहा हूँ, तो वो लोग कहते थे सर अब तो मेरे को रात के 10:30-11 बज गए, आप अभी भी काम बता रहे हैं, तो एग्जॉशन मुझे लगता था, मेंटल एग्जॉशन होने लगा था लोगों के अंदर। लेकिन टीम का यही रहता है कि हम टीम के तौर पर काम को बांट सकते हैं, टीम स्पिरिट बना रहे तो हम इसमें जीत सकते हैं। और प्रशासन से हमने इस दौरान और लोग लिए, जैसे कि एनआईसी की टीम से हमने एक वो कंप्यूटर टीम ले पाए, पुलिस डिपार्टमेंट से हमने कंटैक्ट ट्रेसिंग के लिए ले पाए कि जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, कई लोग अपने कंटैक्ट्स नहीं बताते थे तो उनके टेलीफोन नंबर ट्रेस किए जाते थे, कॉल ट्रेस करके उनको हम आइडेंटिफाई कर पाते थे, तो पुलिस डिपार्टमेंट को इस सब के अंदर यूज़ कर पाए, प्रशासन की भी हम इसमें हेल्प ले पाए, तब जाके ये लड़ाई पूरी हो पाती है। तो तमाम कोशिशें प्रयास जो हैं वो लगातार स्वास्थ्य विभाग, ना केवल कोविड, उससे पहले और आगे के लिए भी, क्योंकि और भी बहुत सारी दिक्कतें लोगों के साथ हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौतियां बड़ी है। अब ऑफिस में किस तरह से अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर जो है कोरोना के खिलाफ है मोटिवेशन का, टीम को एक साथ रखने का, क्योंकि कोविड से जो नुकसान होना है वो तो है, लेकिन उसका जो डर है वही कहीं ना कहीं लोगों को एक दूसरे से दूर करता था, एक दूसरे के साथ जो है खड़ा होने से वो कहीं ना कहीं लोग कतरा रहे थे, लेकिन उस सबके बीच स्वास्थ्य विभाग हमेशा जो है एक वॉल की तरह आम लोगों और कोविड के बीच खड़ा रहा और लोगों को कोविड से बचाने का प्रयास करता रहा। तो अपनी टीम के साथ किस तरह से दिन बिताते वो सब भी दिखाएंगे। सुबह की शुरुआत डॉक्टर ब्रह्मदीप अपने इसी ऑफिस से करते हैं जहां अपनी टीम के साथ एक मीटिंग करते हैं पूरी प्लानिंग कि किस तरह से पूरा दिन जो है वो आगे बढ़ेगा, किस तरह की दिक्कतें हैं, कहीं जो वैक्सीनेशन ड्राइव की बात हो या फिर सैंपल कलेक्शन की बात हो या दूसरे जो इश्यूज हैं उनको लेकर भी पूरी प्लानिंग जो है यहीं से शुरू करते हैं। सर सुबह की शुरुआत घर के बाद जब ऑफिस पहुँचते हैं मीटिंग होती है, क्या कुछ एजेंडा जो है मीटिंग में रहता है? शुरुआत तो दिन की यही रहती है कि पिछले दिन की समीक्षा रहती है कि उसके अंदर पिछला दिन में जो जो वर्क थे क्या उनमें से कोई पेंडिंग तो नहीं रहा। कई बार ऐसा भी होता है कि 5 बजे के बाद में कुछ ईमेल्स आई होती हैं, उनके ऊपर जवाबदेही वगैरह होती है, उनकी बात की जाती है, और फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग के बारे में रहता है कि आज के दिन पे हमारे आज के जो वर्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन साथ साथ मॉर्निंग में होता रहता है। जैसे जैसे स्टाफ आते रहते हैं मॉर्निंग में अटेंडेंस के टाइम पे, वैसे वैसे उनका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन साथ साथ होता रहता है। और फिर मॉर्निंग के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर जो आई होती है लोगों की, किसी की छुट्टियां अप्रूव करनी होती हैं तो वो छुट्टी अप्रूव वाला साथ साथ होता है, या किसी की अपनी कोई समस्या होती है कि मेरे को आज के लिए इस सेशन को लेकर ये रिक्वायरमेंट है, मुझे लॉजिस्टिकली ये रिक्वायरमेंट है, ये सामान चाहिए, तो वो पूरा होना चाहिए, इन सब की तैयारी सुबह ही शुरू हो जाती है। कोविड की चुनौतियों से निपटे भी और कहीं ना कहीं कोविड को निपटाने की भी कोशिश रही कि जो है इसको हराया जा सके। इस सब के अलावा भी कई दिक्कतें हैं मेजर, अगर दिक्कतों की बात करें मलेरिया है, डेंगू है, ये हर साल जो है एक बड़ी परेशानी बनकर आता है, तो उसको लेकर भी क्या कुछ, क्योंकि अब कोविड के साथ साथ ये भी चुनौतियाँ रहेंगी, और पलवल की बात करें तो पलवल में इन सब को लेकर क्या स्थिति है? मैं कहूंगा कि पलवल एक ऐसा एरिया रहा है जिसके अंदर मलेरिया और डेंगू के केसेस काफ़ी ज़्यादा रहे पिछले काफ़ी सालों, पिछले एक दशक के अंदर बहुत केसेस रहे, और कई बार तो ऐसा होता था कि पूरे स्टेट के लगभग 40-50% केसेस वो यहीं एक ही जिले से निकल आते थे। तो पिछले साल जो लड़ाई लड़ी वो कोविड के खिलाफ अकेले नहीं लड़ी, वो मलेरिया और डेंगू के खिलाफ लड़ी। उसमें चाहे हम ये कहें कि टीम तैयार करना, क्योंकि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर या हमारी अर्बन मलेरिया की टीम एक नंबर में काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उनके आपस में छोटे छोटे इश्यूज थे, उन्हें सुलझाना, उनको एक टीम स्पिरिट पैदा करना,
और फिर उसके अलावा अवेयरनेस एक्टिविटीज, और फिर ये भी रहा कि जो नगर परिषद है या पंचायती राज है उन्हें भी इसमें मॉस्किटो कंट्रोल वाले वर्क के अंदर मुख्य धारा में लेकर आना, प्रशासन को सेंसिटाइज करना, और प्रशासन की हमें इस समय सपोर्ट मिली भी, ये सब करना। फिर जो हमारे वो हैं पॉलिटिकली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे वो पार्षद हैं या विधायक हैं, उन सबको इन्वॉल्व करके जनता तक हमने जो LLIN नेट्स थी वो पहुंचाई, और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कराना। ऐसे ही ये रहा कि जो स्प्रे वर्कर की टीम है वो अलग अलग काम करती थी, इस जिले के अंदर काफ़ी केसेस हैं तो एक गांव के अंदर एक स्प्रे वर्कर लग जाता था और वो पूरा 2 महीने में जाके वर्क पूरा करके निकलता था। तो उसका फॉर्मूला ये चेंज किया कि स्प्रे वर्कर की जो टीम है वो 25 लोग इकट्ठे चलेंगे, एक गांव में जाएंगे, उस गांव को पूरा फिनिश करके और 4-5 दिन बाद दूसरे गांव में चले जाएंगे। ऐसे करके करने से एक गांव को कवर करना संभव हो पाया और फास्ट स्पीड से भी वर्क कर पाया, नहीं तो उनका ट्रैवलिंग में ही टाइम हर एक का निकल जाता था। और उसका रिजल्ट ये रहा कि हम 95% तक कंट्रोल कर पाए मलेरिया और डेंगू के केसेस को, और मोर्टेलिटी तो नील रही इस दौरान लकीली हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको, आपकी पूरी टीम को, तमाम जो स्वास्थ्यकर्मी इस कोरोना काल में आम लोगों के लिए अपने आप को, अपने परिवार को छोड़कर उनकी सेवा में लगे रहे, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा इस सप्ताह का अवसरनामा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।